बेस्ट है फ्रेंडो, ये सबसे अच्छी खाद है हमारे गार्डन के लिए। हमारे बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं इससे, और इसको मैं टाइम टू टाइम अपने गार्डन में स्टोर करती रहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये खाद जैसे ही बैठ जाती है मैं इसी में डाल देती हूँ। मैं बहुत सारे डिब्बे नहीं बनाई हूँ, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये 8-10 दिन का कचरा है मेरे किचन का, और इसी का ये रिजल्ट है। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं हमारे गार्डन में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट मिलता है ना, तो फिर बात ही क्या है। देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर सुंदर हैं, मैं तो पूरा दिन गार्डन में ही रहती हूँ, पागल हो जाती हूँ। मतलब अभी भी दोपहर का 10 बज रहा है और देखिए मैं आ गई हूँ। ये बेल के रूप में जाना जाता है, कितने सुंदर सुंदर हैं फ्लावर। और ये तो बेचारे बिन खाद पानी के ही इठलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यही एक कारण है कि मैं इतना सब करती रहती हूँ। इसको मैंने छाया में रख दिया है, फूल खिल चुके हैं। और वैसे तो ये केवल एक ही दिन की शोभा होती है, देखते हैं छाया में रखने से कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो ओके फ्रेंड्स, फिर हम अपने इस किचन वेस्ट को डाल देते हैं, इस किचन जो किचन का जो वेस्ट इसमें है, इसमें खाद बनाने के लिए। थैंक यू, राधे राधे। लाइक एंड शेयर कीजिएगा।